मानव ने अपने शुरुआती जीवन से लेकर आज के आधुनिक जीवन तक हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी और जीवन को बदलने की महत्वाकांक्षा ने उसे इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान जीव बना दिया है। मनुष्य ने अपनी दृढ़ता और धैर्य के दम पर इस दुनिया में ऐसे ऐसे निर्माण कार्य किए हैं जिन्हें देखकर एक बार तो विश्वास ही नहीं होता कि ये संभव भी था। मनुष्य को हर वो चीज आकर्षित करती रही है जिसके साथ नामुमकिन जुड़ा होता है। मनुष्य की यही सबसे बड़ी खासियत है जिसके साथ उसने नामुमकिन शब्द जुड़ा हुआ देख लिया, उसे मुमकिन करने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करता है। इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम है पनामा नहर। वैसे तो दुनिया में हजारों नहरें बनाई गई। दुनिया में बनाई गई आज तक की सभी नहरों का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन पनामा नहर का महत्व पूरी दुनिया में सबसे अलग है। पनामा नहर मानव की दृढ़ता और धैर्य की सबसे मजबूत निशानी है। पनामा नहर असंभव को संभव बनाने की वो कहानी है जिसके आगे मानव झुका नहीं। पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ने का एक जलमार्ग है। ये मानव निर्मित दुनिया के सबसे बड़े जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सागर के द्वारा जोड़ने का काम करती है। इस नहर का पूरी दुनिया में अपना खुद का व्यवसायिक महत्व है। ये नहर लगभग 82 किलोमीटर लंबी है, तो वहीं इसकी चौड़ाई लगभग 90 मीटर है और ये नहर लगभग 12 मीटर गहरी है। इस नहर में हर दिन बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नहर में हर साल लगभग 15,000 जहाज गुजरते हैं। इस नहर से छोटे से छोटे जहाज से लेकर बड़े से बड़े जहाज लगभग 100 सालों से लगातार गुजर रहे हैं। अपने शुरुआती दौर में पनामा नहर से हर साल लगभग 1,000 जहाज गुजरते थे। पनामा नहर को इंजीनियर का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग का नमूना है जहां पर पानी नहीं होने के बावजूद भी इस नहर से बड़े बड़े जहाजों को आसानी से पार करा दिया जाता है। यहां पर जललोक पद्धति के आधार पर जहाजों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाता है। पनामा नहर पर वर्तमान में पनामा देश का आधिपत्य है, जबकि इस नहर को बनाने का काम फ्रांस ने शुरू किया था और अमेरिका ने इसे पूरा किया। लगभग 85 सालों तक अमेरिका ने इस नहर पर खुद का आधिपत्य रखा है, लेकिन आज इस नहर पर पनामा का संपूर्ण आधिपत्य और इसके संचालन की व्यवस्था पनामा देश को सौंप दी गई है। इस नहर के निर्माण की कहानी काफी रोचक है। अब सवाल ये उठता है कि पनामा नहर का निर्माण क्यों किया गया? ऐसा क्या कारण रहा कि पनामा नहर की आवश्यकता पड़ गई? हम जानते हैं कि दुनिया के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में जहां एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, महाद्वीप आते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों ही स्थल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हैं, जहां इन महाद्वीपों के पूर्व दिशा की तरफ अटलांटिक महासागर है, तो वहीं पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर है। इन दोनों महासागरों को जोड़ने के लिए ही कैरेबियन सागर पर पनामा नहर का निर्माण किया गया था। पनामा नहर बनाने का सपना काफी सालों से देखा जाता रहा। सबसे पहले पनामा नहर बनाने का विचार स्पेन के राजा और रोमन साम्राज्य के राजाओं के दिमाग में उपजा। दोनों ही राजा चाहते थे कि दोनों देशों तक आने जाने के लिए कम से कम दूरी का मार्ग ढूंढा जाए, जिससे एक देश से दूसरे देश तक वस्तुओं के आदान प्रदान में कम से कम खर्च, कम से कम समय और कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़े। इसके लिए 1534 में स्पेन के राजा और रोमन साम्राज्य के सम्राट चार्ज पंचम ने एक आदेश निकाला कि एक ऐसी नहर बनाने का काम शुरू किया जाए जिससे दोनों देशों के बीच की दूरी कम हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने इसके सर्वेक्षण के लिए भी निर्देश जारी कर दिए, लेकिन किन्हीं कारणों से और इस काम की कठिनता को देखते हुए उस समय के इंजीनियरों ने इसे नामुमकिन करार दे दिया। उनका मानना था कि इस तरह का निर्माण संभव नहीं है और इस तरह से पहली बार पनामा नहर बनाने की कोशिशों को विराम लगा। ऐसा माना जाता है कि स्पेन के राजा और रोमन साम्राज्य के सम्राट जॉर्ज पंचम दोनों एक ऐसा जलमार्ग चाहते थे जो पुर्तगालियों से बेहतर जलमार्ग हो।
साथ ही साथ इस जलमार्ग का उपयोग सेना के आदान प्रदान और व्यवसाय हितों को पूरा करने के उपयोग में लेना चाहते थे। लेकिन इस नहर के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र के बीच में स्थित दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच का वो स्थल खंड, जिसे उस जमाने में तोड़ पाना या उसे एक सकरी गली जैसा रूप दे पाना लगभग नामुमकिन था। साथ ही साथ यहाँ पानी का बहाव बहुत ज्यादा होने और घने जंगलों के कारण पर्यावरण परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी कि यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इसलिए उस समय के इंजीनियरों ने इसे असंभव कहते हुए टाल दिया और दोनों देशों के राजाओं ने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन पनामा देश के पास इस तरह के शॉर्टकट रास्ते को बनाने के प्रयास यहाँ पर नहीं रुके। इस जगह पर नहर जैसे निर्माण करने की हर बार कोशिशें होती रही। ऐसी कोशिश 1658 में स्कॉटलैंड के द्वारा की गई। स्कॉटलैंड की ये कोशिश बेकार रही क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच के स्थल डमरू मध्य की चौड़ाई बहुत ही कम थी और ये चौड़ाई इतनी कम है कि यहाँ से किसी भी तरह का जहाज गुजर पाना बहुत ही मुश्किल होता। साथ ही साथ ये एक स्थल मार्ग भी था। लेकिन फिर भी स्कॉटलैंड ने अपने प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ की विषम परिस्थितियाँ और बिगड़ते मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए 1700 में नहर के निर्माण कार्य को स्कॉटलैंड ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन प्रयास फिर भी नहीं रुके। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण लगातार हर शताब्दी में पनामा नहर का विचार अलग अलग देशों के मध्य जन्म लेता रहा और उन्होंने अपने स्तर पर कोशिशें भी की, लेकिन आधुनिक उपकरणों का अभाव या एक अच्छी प्लानिंग के नहीं होने की वजह से उन्हें मात खानी पड़ी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोनों एक स्थल मध्य डमरू के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही छोटा और सकरा स्थल मार्ग है जिस कारण से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी बंदरगाह देशों से चलने वाले जहाजों को उत्तरी अमेरिका के ही पश्चिमी बंदरगाह तक जाने के लिए बहुत बड़ा जलमार्ग तय करना पड़ता था। इसके लिए वे पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की परिक्रमा करते और इसके बाद वे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी दिशा में स्थित बंदरगाह के देशों तक अपना सामान पहुंचा पाते थे, जिसके कारण नाविकों को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी होती थी। बड़ी दूरी के कारण जहाजों को पहुंचने में कई दिनों का समय लग जाता था, जिससे बहुत सारे सामानों का उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका में ही एक दिशा से दूसरी दिशा तक पहुंचाने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता था। इस कारण से हमेशा से एक ऐसे मार्ग को खोजा जाने लगा जिसके लिए दक्षिण अमेरिका की परिक्रमा नहीं करनी पड़े। काफी खोजबीन और सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि यदि उत्तरी अमेरिका की मैक्सिको खाड़ी और दक्षिण अमेरिका के देश के बीच स्थित स्थल जल डमरू मध्य में अगर कोई छोटा जलमार्ग बना लिया जाए तो ये दूरी काफी कम हो सकती है। जहां पहले उस दूरी को तय करने के लिए महीनों का समय लगता था, अब उस दूरी को तय करने के लिए सिर्फ कुछ घंटों का ही समय लगेगा। लेकिन उस समय तक मानवीय उन्नति और तकनीक का विकास इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि इस कार्य को किया जा सके, इसलिए इस काम को सिर्फ एक विचार मानकर ही छोड़ दिया जाता था। हमेशा से इसे एक असंभव विचार माना जाता था। लेकिन अगर ये नहर बनती है तो हजारों किलोमीटर का सफर घट करके कुछ किलोमीटर का ही रह जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का एक देश न्यूयॉर्क, ये उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक महासागर के बंदरगाह पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। जब यहाँ से चलने वाले जहाजों को कोई सामान संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम दिशा में स्थित बंदरगाह देश सैन फ्रांसिस्को तक पहुँचाना होता तो उन्हें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चारों तरफ चक्कर लगाकर यहाँ तक पहुँचना होता था। इस कारण से उन्हें लगभग 13,000 किलोमीटर का सफर मजबूरी में तय करना पड़ता था, जिसका कोई भी व्यापारिक महत्व नहीं होता था। इस कारण से बहुत ज्यादा धन की हानि और ईंधन की हानि होती थी, जिससे सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने वाले सामान की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो वहीं ऐसे सामानों की आपूर्ति नहीं की जा सकती थी जो कुछ दिनों में ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस चक्कर को पूरा करने में जहाजों को महीनों का समय लग जाता था। ठीक ऐसे ही उत्तरी अमेरिका के एक देश
न्यू ऑर्लियंस से सैन फ्रांसिस्को तक जाने के लिए भी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का न्यू ऑर्लियंस देश मैक्सिको की खाड़ी के पास स्थित है। अगर मैक्सिको खाड़ी के पास कोई शॉर्टकट जलमार्ग उपलब्ध रहता तो ये दूरी लगभग 9000 किलोमीटर घट जाती। लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले स्थल डमरू मध्य के कारण ये दूरी 9000 किलोमीटर ज्यादा बढ़ जाती। वहीं न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बंदरगाह शहर सिडनी तक जाने के लिए भी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की पूरी एक परिक्रमा करनी होती थी, जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच की दूरी लगभग 6500 किलोमीटर तक बढ़ जाती थी, जिसमें नाविकों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी तरह न्यूयॉर्क शहर से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में ही स्थित चिली देश के वालपराइसो शहर तक सामान पहुंचाने के लिए भी दक्षिण अमेरिका का एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता था, जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच की दूरी में 6000 किलोमीटर की एक बड़ी दूरी का इजाफा हो जाता था। इस कारण से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से दुनिया के अनेक देशों तक अपने सामान की आयात निर्यात के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस कारण से अमेरिका को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए अमेरिका भी चाहता था कि वो एक ऐसा मार्ग विकसित करे जिसकी वजह से उसकी ये दूरियां घट जाए और उसको होने वाली समय की हानि, धन और ईंधन की हानि बहुत ही कम हो जाए। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक चक्कर लगाने की वजह से ये जलमार्ग बहुत ही लंबा होता था, जिसके कारण लाखों लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण लोगों को इसका कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ अगर कोई ऐसे किसी शॉर्टकट जलमार्ग को बनाने की परिकल्पना भी करता तो इससे पहले किए गए प्रयासों के परिणामों को देखकर भी वो ऐसा करने से बचता था। लेकिन लगातार लड़ने और असंभव को संभव बनाने की मांग या अपनी इस प्रकृति के कारण मानव ने इस तरह के निर्माण के लिए अपने प्रयासों को कभी भी रोका नहीं। ठीक ऐसा ही एक प्रयास सन 1855 में किया गया। इस जलमार्ग के नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी संयुक्त राज्य अमेरिका को उठानी पड़ रही थी, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को काफी धन भी खर्च करना पड़ रहा था। इसलिए पिछले सभी परिणामों को देखते हुए भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे बनाने का फैसला किया। सन 1855 में विलियम कनिग नामक एक इंजीनियर को संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने ऐसे शॉर्टकट जलमार्ग को बनाने के लिए सर्वेक्षण करने का काम सौंपा। विलियम कनिग ने अपने रिसर्च के आधार पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में विलियम कनिग ने सरकार को बताया कि अगर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त राज्य सरकार की इस समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने अट्राटो और ट्रुआंडो नदियों के साथ महासागर में एक नहर बनाने का प्रस्ताव रखा। अपने इस प्रस्ताव में उन्होंने बिना तालों वाली एक नहर को डिजाइन किया था। उस समय विलियम कनिग ने बताया था कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों का ही जलस्तर एक समान है। इसके अलावा कनिग ने आखिरी अपनी रिपोर्ट में भारी से भारी जहाज को किस तरह से नहर के माध्यम से गुजारा जा सकता है, इसका भी एक पूरा ब्लूप्रिंट सरकार के सामने पेश किया था। उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यदि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चारों तरफ जलमार्ग से एक चक्कर लगाने से बचना है तो उसे इन नदियों के पास अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए कैरेबियन सागर में कम से कम 130 मील लंबी, 200 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी एक नहर बनाई जानी चाहिए। इस नहर को बनाने के लिए एक विलियम कनिग ने उस समय लगभग 130 मिलियन डॉलर की भारी भरकम कीमत बताई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को विलियम कनिग का ये आइडिया पसंद नहीं आया था, या फिर हम कह सकते हैं कि इस नहर के निर्माण के लिए उन्हें 130 मिलियन डॉलर की भारी भरकम कीमत भी चुकानी पड़ती। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने इस योजना से कुछ समय के लिए अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन ठीक 22 साल बाद 1877 में एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी अर्मन रेकलस, जो कि फ्रांस की सेना में इंजीनियर थे, उन्होंने लुसियन नेपोलियन नाम के एक इंजीनियर के साथ मिलकर के सर्वेक्षण किया और फ्रांस सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस समय दोनों ही इंजीनियर काफी उत्साहित थे, क्योंकि दुनिया ने असंभव दिखाई देने वाला काम अभी अभी संभव होते हुए देखा था।
इसी समय अभी अभी फ्रांस ने स्वेज नहर का निर्माण काफी सफलतापूर्वक कर लिया था और इससे उत्साहित होते हुए फ्रांस की सरकार ने यहाँ भी नहर बनाने का फैसला किया। अपनी स्वेज नहर की सफलता से उत्साहित फ्रांस की सरकार ने 1 जनवरी 1881 को फर्डिनेंडी लेसप नाम के एक इंजीनियर के नेतृत्व में पनामा नहर का निर्माण कार्य शुरू किया। ये वही इंजीनियर थे जिन्होंने अभी अभी सफलतापूर्वक स्वेज नहर का काम पूरा किया था। फर्डिनेंडी लेसप स्वेज नहर बनाने का कारनामा कर चुके थे और इस कारण से वे काफी उत्साहित थे। कहते हैं कि अति उत्साह हमेशा विनाश का कारण होता है, ठीक ऐसा ही यहाँ भी हुआ। पनामा नहर को बनाने का निर्माण कार्य शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इससे पहले यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ना तो यहाँ के भूगर्भ की जांच की गई और ना ही यहाँ के जलीय वातावरण और पर्यावरणीय परिस्थितियों की जाँच की गयी। ये वो इलाका था जहाँ के जलवायु की परिस्थितियाँ भी काफी विपरीत थी, जिसके कारण यहाँ का मौसम यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियरों और मजदूरों को काफी परेशान करने लगा और सहन नहीं हो सकने वाली उमस के कारण यहाँ के मजदूर अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो गए। साथ ही साथ पानी की अधिकता की वजह से इस क्षेत्र में मच्छरों की अधिकता थी, जिसके कारण यहाँ की स्थितियाँ और भी ज्यादा बिगड़ गई। ऊपर से मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण बढ़ती उमस के साथ ही मच्छरों के काटने के कारण यहाँ पर बीमारियां फैलने लगी और अनेकों दुर्घटनाएं भी होने लगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 22,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके कारण पनामा नहर के निर्माण की गति धीमी पड़ने लगी और साथ ही साथ इसके पूरा होने पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। पनामा नहर के निर्माण पर छाए ये संकट के बादल अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि एक और मुसीबत आ गई। साल 1889 में फर्डिनेंड डी लेसप के बेटे चार्ल्स डी लेसप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। जांच में पाया गया कि चार्ल्स डी लेसप ने पनामा नहर के निर्माण में काम आने वाली राशि में बहुत बड़ा घोटाला कर लिया है। ये एक प्रकार का स्कैंडल था। इस स्कैंडल को पनामा स्कैंडल के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण पनामा नहर बनाने वाली कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया और पनामा नहर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस स्कैंडल के कारण चार्ल्स डी लेसप को 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई, तो वहीं पनामा नहर का निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को निरस्त कर दिया गया। एक बार फिर से पनामा नहर नहीं बन पाई और मानव की कोशिशों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। साल 1894 में पनामा नहर को बनाने के लिए एक दूसरी कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का नाम था कंपनी नोवेलू डू कनाल द पनामा। इस कंपनी ने भी पनामा नहर को बनाने का अपना डिसीजन लिया, लेकिन ये कंपनी भी नहर को इसका अंतिम स्वरूप नहीं दे पाई और इस तरह से एक बार फिर से एक और कंपनी फेल हो गई। एक बार फिर से अमेरिकी सरकार को पनामा नहर के निर्माण की आवश्यकता पड़ी, लेकिन यहाँ अभी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जिस जगह पर अमेरिका के इंजीनियरों ने पनामा नहर को बनाने का विचार रखा था, वो जगह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को कोलंबिया देश के साथ संधि करके यहाँ की भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता, जो कि काफी महंगा था। साथ ही साथ इसके अपने राजनीतिक महत्व थे, जिसके कारण कई सालों तक ये प्रस्ताव अटका रहा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की कोशिशें सफल हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने कोलंबिया देश के साथ एक संधि के तहत इस जगह पर अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित कर लिया। अमेरिका के अधिग्रहण में आने के बाद इस क्षेत्र में नहर के निर्माण को लेकर के सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई थी। अब अमेरिका इस जगह पर नहर का निर्माण कर सकता था। अमेरिका को यहाँ पर नहर के निर्माण के लिए पहले की गई सभी गलतियों से सीखते हुए फिर से उन गलतियों को न दोहराने की कोशिशें भी करनी थी, तो वहीं यहाँ की इन विषम परिस्थितियों, खराब व्यवस्थाओं और विषम जलवायु परिस्थितियों से निपटते हुए इस नहर को इसका अंतिम स्वरूप भी प्रदान करना था। 1904 में अमेरिका ने यहाँ पर पनामा नहर को बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया। अमेरिका इस नहर को 3 वाटर लॉक सिस्टम के अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ने लगा। अमेरिका ने इस निर्माण कार्य को पूरा किया, लेकिन इसे पूरा करने में अमेरिका को पूरे 10 साल का समय लगा।
साथ ही साथ इस नहर को बनाने के लिए अमेरिका ने पहले के देशों के द्वारा की गई गलती को नहीं दोहराया और अमेरिका यहाँ पर लगातार रिसर्च करता रहा, जिसके कारण यहाँ की विषम परिस्थितियों में किस तरह से निर्माण कार्य को जारी रखा जा सकता है, इसकी जानकारी समय समय पर अमेरिका के इंजीनियरों को मिलती रही और उन जानकारियों के बेस पर अमेरिका ने 1914 में पनामा नहर का निर्माण पूरा कर लिया। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका को एक बहुत ही भारी भरकम राशि भी निवेश करनी पड़ी। इस नहर के निर्माण में अमेरिका ने 10 साल लगाए तो साथ ही साथ यहाँ पर 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की भारी भरकम राशि भी खर्च की। ये मनुष्य के द्वारा प्राप्त की गई सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, क्योंकि पनामा जल डमरू मध्य को वास्को डी बिल्बोया ने लगभग 400 साल पहले पार किया था और ठीक 400 सालों के बाद मनुष्य ने यहाँ पर नहर बनाकर इसे पार कर लिया। इस नहर के निर्माण की वो ऐतिहासिक तारीख थी 14 अगस्त 1914, जब इसका निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 15 अगस्त 1914 को इस नहर को जहाजों के आने जाने के लिए खोल दिया गया। ये नहर अपने आप में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और सबसे विलक्षण नमूना है। ये नहर गाटून झील से होकर गुजरती है। गाटून झील मीठे पानी की एक झील है, लेकिन इस नहर को इस तरह से बनाया गया है कि जब महासागर से कोई भी जहाज झील में प्रवेश करता है तो महासागरों का खारा पानी झील के मीठे पानी के साथ मिलता नहीं है। ये झील समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊपर है। इस कारण से इस झील में 3 लॉक्स का निर्माण किया गया है। पनामा नहर का संचालन दुनिया में सबसे अलग और अद्भुत है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया के महासागरों में जहाज को चलाने के लिए उस पर पूरा नियंत्रण उस जहाज के कप्तान का होता है, तो वही जहाज जब पनामा नहर में पहुंचता है तो उसे अपना संपूर्ण नियंत्रण नहर के कप्तान को सौंपना होता है और नहर का कप्तान उस जहाज को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में प्रवेश करवाता है। हजारों टन वजनी जहाज को इस नहर से गुजारने के लिए 3 लॉक्स के सिस्टम्स बनाए गए हैं। इन लॉक सिस्टम्स में पानी भरकर जहाजों को पानी की सतह से 85 मीटर तक ऊपर तक उठाया जा सकता है। हजारों टन वजनी जहाजों को इस नहर को पार करने के लिए सबसे पहले छोटे लॉक में प्रवेश करवाया जाता है, जहां पर जहाज को 85 फुट ऊपर उठाने के लिए लगभग 11 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस लॉक में पानी भरने के लिए सारा पानी गाटून झील से लिया जाता है। जब इस लॉक में 11 करोड़ लीटर पानी भर जाता है तो जहाज 85 फीट की ऊंचाई तक उठ जाता है। जहाज के ऊपर उठने के बाद इन दरवाजों में लगे भारी और बेहद ताकतवर लोकोमोटिव इंजनों को शुरू कर दिया जाता है। इंजन भारी भरकम जहाज को खींचते हुए उसे दूसरे लॉक में प्रवेश करवाते हैं। यहाँ पर इन दरवाजों का निर्माण जहाज को ऊपर उठाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इन दरवाजों से समुद्र के खारे पानी को झील के मीठे और ताजा पानी में मिलने से रोका जाता है। जब समुद्र से जहाज झील के ताजा मीठे पानी में प्रवेश करता है तो उसमें हलचल होने लगती है। ये हलचल यहाँ पर कम पानी के कारण होती है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर लगभग 11 करोड़ लीटर पानी भर दिया जाता है और ये हलचल बंद हो जाती है। इस तरह से जहाज का सफर आसान हो जाता है। फिर जहाज दूसरे लॉक तक पहुँच जाता है। इस लॉक में भी एक बार फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और पानी भरकर जहाज को ऊपर उठाया जाता है। लगातार तीसरे लॉक तक इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है, जिससे जहाज गाटून झील से निकलकर दूसरी तरफ महासागर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से उसी प्रोसेस को उल्टा दोहराते हुए जहाज को नीचे उतारा जाता है और इस तरह से जहाज फिर से समुद्र में प्रवेश कर जाता है। इन दरवाजों का निर्माण पैरामैक्स जहाजों को निकालने के लिए किया गया था, लेकिन इस नहर से इससे भी 2 गुना वजनी जहाजों को निकाला जाता है। इसके लिए इन दरवाजों में लगभग 20 करोड़ लीटर पानी भरा जाता है, जबकि इन जहाजों से भी दुगने वजनी जहाज होने पर दरवाजों में लगभग 40 करोड़ लीटर पानी भरने की आवश्यकता होती है। इतना ज्यादा पानी गाटून झील में नहीं होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इस नहर के लॉक सिस्टम में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि यहाँ से भारी भरकम जहाज को भी
आसानी से और बिना किसी परेशानी के निकाला जा सके और पानी की कमी को भी पूरा किया जा सके। इसके लिए पनामा नहर को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया। इसके लिए इन दरवाजों को और उन्नत बनाया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले इन दरवाजों को पानी से भरने के लिए सारा पानी गाटून लेक से ही लेना पड़ता था, जिसके कारण झील का पानी कम पड़ने लगा। इसलिए इन दरवाजों को और विकसित करने के लिए इन दरवाजों के पास में 3 नए चैम्बर बनाए गए। हर एक चैम्बर में लगभग 4.25 करोड़ लीटर पानी हमेशा भरा होता है, जिसके कारण झील में सिर्फ 40% पानी लेने की आवश्यकता होती है और बाकी का 60% पानी इन चैम्बर से इन लॉक्स में भरा जाता है, जिसके कारण झील पर बहुत कम दबाव आ पाता है और यहाँ से बड़े बड़े जहाज भी आसानी से निकल सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में पनामा नहर से वही जहाज निकल पाते थे जो लगभग 1050 फीट लंबे, 110 फीट चौड़े और 41 फीट गहराई में आ पाते थे, लेकिन इस नए लॉक सिस्टम के बनने से अब पनामा नहर से लगभग 1400 फीट लंबा, 180 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरे जहाजों को भी आसानी से नहर पार करवाई जा सकती है। दुनिया में इस तरह के इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत नमूना ये पनामा नहर अपने निर्माण कार्य से लेकर काफी विवादों में रही। जहां शुरुआती प्रयासों में इस नहर को बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो बाद में इसके संचालन को लेकर भी काफी विवाद खड़े रहे। जहां इस नहर का संपूर्ण नियंत्रण लगभग 80 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रहा, तो वहीं 80 वर्षों के बाद इस नहर का नियंत्रण और स्वामित्व पूरे तरीके से पनामा देश को सौंप दिया गया। 2014 में पनामा नहर को और ज्यादा विकसित करने के लिए इसे चौड़ा करने का काम शुरू हुआ, जिसके कारण पनामा नहर का संचालन करने वाली कंपनी और नहर को चौड़ा करने का काम करने वाली कंपनी के बीच फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस नहर को चौड़ा करने का काम करने वाली कंपनी GUPC का कहना था कि यहाँ की भूगर्भीय व्यवस्थाओं के कारण पहले के बजट में इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि इस नहर का संचालन करने वाली ACP कंपनी नहर के विस्तार के लिए बजट को बढ़ाने पर राजी नहीं हुई। GUPC कंपनी नहर के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1.2 अरब यूरो डॉलर की अतिरिक्त राशि जारी करने का मांग करने लगी और उसने धमकी भी दी कि अगर इस बजट को जारी नहीं किया गया तो वो नहर के विस्तार का काम रोक देगी। मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। दोनों कंपनीज के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन बाद में पनामा के राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली की मध्यस्थता के बाद इस विवाद को सुलझा लिया गया। साथ ही साथ पनामा नहर के संचालन के लिए गाटून झील से दरवाजों में जो पानी भरा जाता है वो भी काफी विवाद की स्थिति में रहा। पूरी दुनिया के पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना था कि नहर के संचालन के कारण गाटून झील में समुद्र का खारा पानी पहुंचने लगा है, जिसके कारण इस झील में पाई जाने वाली जैव संपदा में काफी विपरीत परिणाम देखने को मिले हैं। और ये भी आरोप लगे रहते हैं कि पनामा नहर के संचालन की वजह से गाटून झील की जैव विविधता पूरे तरीके से खतरे में है, लेकिन हर बार इन विवादों को सुलझा लिया जाता है, चाहे कितने ही विवादों की स्थितियां क्यों ना हो। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मानव की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा ये नमूना लगातार पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से अपनी पूरी क्षमता में काम कर रहा है। जहाँ शुरुआती सालों में ये काम असंभव लगता था, वही जब ये काम पूरा हुआ तो इसने अपने शताब्दी वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये आज भी काम कर ही रहा है। पनामा नहर की सफलता से उत्साहित निकारागुआ नहर का निर्माण भी करने की योजनाएं बनाई जा रही है। ये नहर भी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करेगी और इस नहर के अस्तित्व में आने से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी दिशा तक जाने के लिए और भी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर ये नहर बन जाती है तो इससे पनामा नहर तक जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और पनामा नहर से भी ज्यादा व्यवसायिक महत्व निकारागुआ नहर का होगा। ये नहर निकारागुआ शहर में बनाई जानी है, जो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ते हुए अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी। इस नहर को बनाने का काम चीन की एक निर्माण कंपनी को सौंपा गया है। अभी तक ये निर्माण कार्य प्रस्तावित ही है, लेकिन अभी से ये विवादों में है। इस नहर के निर्माण को लेकर के पूरी दुनिया के पर्यावरणविद काफी चिंतित नजर आते हैं। उनका कहना है कि इसके कारण कैरेबियन सागर की जलीय संपदा
पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसको बनाने में काफी ज्यादा धनराशि भी लगानी पड़ेगी, जिसके कारण हमें डबल नुकसान होगा। जल संपदा तो खत्म होगी ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी धनराशि भी खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ पनामा नहर की तरह इसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। इसलिए पर्यावरणविदों का मानना है कि जब हमारे पास पनामा नहर जैसा सबसे सुरक्षित और सबसे अद्भुत उपयोगी साधन है, तो हमें निकारागुआ नहर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस नहर को बनाने का काम या इस नहर के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस नहर का निर्माण कार्य रद्द होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तक निकारागुआ नहर प्रस्तावित ही है। पनामा नहर दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि इस नहर को पार करने में जहाजों को 10 घंटे का समय भी लग जाता है, जो कि बहुत बड़ा समय होता है। सोचिए, अगर नहर को पार करने में ही जहाजों को 10 घंटे तक का समय हमें लगता है, तो इससे पहले जब ये नहर नहीं थी तो कितना समय खर्च करना पड़ता था। इसी बात से इसकी महत्ता सिद्ध होती है कि ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है।